किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है और जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज के लिए ऐलान किया गया था कि आज ग्रामीण भारत बंद रहेगा, लेकिन अभी तक इसका कुछ ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस समय सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से रोजाना की तरह सब्जियां जो है किसानों की सब्जी मंडी में पहुंची है, लेकिन ये बिक नहीं रही। इसकी वजह भी किसान आंदोलन है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के रास्ते बंद हुए हैं उसके बाद जो लोकल मंडियां हैं उनमें सब्जी की डिमांड है वो काफ़ी घट चुकी है और सब्जियां जो है बिक नहीं रही। हालांकि आज के लिए जो ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया था उसका भी कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। किसान अपनी सब्जियों की जो उपज है उसको लेकर मंडी में पहुँचे थे और अब किस तरह की स्थिति है ये भी जानेंगे कि क्या कुछ रहा है। ग्रामीण भारत बंद का आह्वान जिस तरह से किया गया था उसका क्या कुछ असर है, क्या वाकई में आज किसानों ने काम बंद किया, लेकिन क्योंकि सब्जी रूटीन की एक उपज है तो किसान जरूर लेकर पहुंचे हैं मंडी में, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित जरूर हुई है। मंडी के व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल जी, जानना चाहेंगे कि आज की क्या स्थिति रही है मंडी में? आज की स्थिति है जो बाहर की सब्जी आ नहीं रही, यहाँ की जा नहीं रही, इसलिए सब्जी बिल्कुल रेट बहुत कम है। अच्छा, तो आज कितने किसान हैं जो फसल लेके पहुंचे थे? फसल किसान बहुत आए हैं, जितने माल मंडी में नहीं बिका नहीं। अच्छा। ना माल ज़्यादा है, लेने वाले कम है, ना माल जा रहा है। तो माल जाएगा नहीं बाहर से तो मंडी में माल पीटेगा, नहीं जा रहा बाहर। अब ये हड़ताल चल रही है, अपना किसान आंदोलन चल रहा है, कोई गाड़ी जा कर राजी नहीं है कोई। दिल्ली के रास्ते रास्ते बंद है दिल्ली। तो बिल्कुल देखिए, किसान अपनी सब्जी की फसल लेकर पहुंचे जरूर थे लेकिन बिकी नहीं है। आज मंडी के भाव की बात करें, क्या कुछ रहा है सब्जियों का? सर, आज से 20 दिन पहले है ना, पालक 20 रुपए किलो थी और आज 2 रुपए किलो नहीं किसी ने उठाई, वो पड़ी देख लो। और ऐसे ही गोभी का हाल है, गोभी 20-25 रुपए बिक रही थी और आज गोभी 2 रुपए, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 100 रुपए पन्नी भी नहीं किसी ने उठाई। ये मंदा क्यों आया? मंदा यही है कि ना, दिल्ली कोई आ नहीं जा रहा, दिल्ली बंद के कारण जिम्मेदार नहीं जा रहे, तो यही कारण है बिल्कुल मेन। तो बिल्कुल देखिए, किसान आंदोलन का इफेक्ट जो है किसानों पर ही होने लगा है। आपका क्या नाम है जी? पूर्ण। तो पूर्ण जी, किस क्या कौन सी फसल लेके आए थे आज? गोभी लाए थे जी। गोभी लाए थे, क्या रहा मंडी में? मंदा ही है जी आज। मंदा है आज? तो कहा था कि किसान छुट्टी करेंगे, भारत बंद रहेगा, छुट्टी नहीं करी? नहीं, छुट्टी क्यों? छुट्टी क्यों नहीं करी जी? माल का ट्रैक क्या था जी, छुट्टी कैसे छुट्टी कर नहीं सकते? सड़ेगा खेत में, फिर क्या मिलेगा? तो इसलिए तो अभी जाके क्या करेंगे गांव में? गुड़ाई गुड़ाई करेंगे अपने खेत की, और क्या करेंगे? दोबारा तैयारी है सब्जी काटने की। हाँ। तो जिस तरह से ये सब्जियां दिल्ली नहीं जा रही, तो इससे भाव पे कुछ असर रहा है? असर तो रहेगा जी, रास्ता बंद है जी, सारे रास्ते बंद पड़े हैं, कोई आया नहीं रहा, ठहर नहीं रहा मंडिया में, माल तो किसानों को नुकसान हो गया फिर इसका? किसान को ही है जी सारा नुकसान। और तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आज के लिए ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया था वो नहीं हुआ है, उसका कुछ ज्यादा असर देखने को हमें नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से सब्जी की बात की जाए तो सब्जी की सप्लाई जो है प्रभावित हुई है। आप देख सकते हैं ये पालक और बथुआ है जो किसान लेकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन खरीदार नहीं मिले हैं क्योंकि दिल्ली जा नहीं रहा, यहाँ बिक नहीं रहा, भाव काफी कम हो चुका है। जो पालक पहले 20 रुपए किलो था वो 5 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, लेकिन खरीदार नहीं है। वजह यही बताई जा रही है कि दिल्ली के रास्ते बंद होने से दिल्ली में लोकल सब्जी हरियाणा की नहीं जा रही, और यही वजह है कि किसान आंदोलन का असर जो है खुद किसानों की सब्जियों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज जिस तरह से भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया था उसका भी कुछ ज्यादा असर किसानों पर नहीं हुआ है, क्योंकि किसान मजबूर है, उनको अपनी सब्जियों की फसल रोजाना की तरह मंडियों में लानी पड़ती है और वो आज वो लेकर भी आए हैं, तो ऐसे में काम भी आज जो है बंद नहीं हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।